और आइए अब देखते हैं भारत के अलग अलग राज्यों की खबरें। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ नंदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में हुए शामिल, जनसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ से पश्चिम बंगाल के सियालदह गए गृह मंत्री अमित शाह, राम मंदिर थीम पर बने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, बोले प्रार्थना करूंगा बंगाल से भ्रष्टाचार अन्याय खत्म हो। मिजोरम के आइजोल में राहुल गांधी की पदयात्रा, भारी संख्या में लोग जुटे। भोपाल में कमलनाथ के घर जुटी नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़, कई सीट पर दिए गए प्रत्याशियों का किया गया विरोध। जयपुर में टिकट कटने वाले कई बीजेपी नेताओं के समर्थक नाराज, पार्टी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, प्रत्याशियों के खिलाफ नारे लगाए। नोएडा के निठारी कांड में दोषी सुरेंद्र कोहली, मनिंदर पंडेर की फांसी पर रोक, हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की सजा को किया रद्द। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ट्रेन के 5 डब्बों में लगी भीषण आग, सभी यात्री बाल बाल बचे, ट्रेन में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। महाराष्ट्र के चिपलून में निर्माणाधीन फ्लाईओवर टूटकर गिरा, फ्लाईओवर गिरते ही सुनाई पड़ी तेज आवाज, इधर उधर भागने लगे लोग। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी, पुंछ में यातायात प्रभावित, मौसम विभाग का दावा, तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट।